बाघेला। आपको बता दें सबकी खबर, जिसमें धावक जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं, दिल्ली में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ मिलकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में संगठन और निगम मंडल की नियुक्तियों के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी 2 दिन के लिए रायपुर पहुंचे। चार भेंट थी और हम लोग जब मिल रहे थे तो सभी विषयों पर चर्चा होगी। सरकार के बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो प्रदेश संगठन के बारे में चर्चा की, तो वही होता है और उनसे आशीर्वाद देके भेजा है, जिसमें दो दो उपचुनाव हैं, शहरी निकाय चुनाव हैं, उन सब में क्या क्या तैयारी है, उन सब के बारे में चर्चा। जैसे हमने रिजर्वेशन की घोषणा की है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासकर रमन सिंह जी हैं, कौशिक जी हैं या उसेंदी जी हैं, इनके एक बार भी बयान नहीं आए हैं। क्या वो 27% जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला है उसका समर्थन करते हैं, 13% 9% अनुसूचित जाति को बढ़ाया गया उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उसके बारे में मौन क्यों है? इंदौर में मकान मालिक और किराएदार के